जरा याद करो कुर्बानी, कि इस कड़ी में आज प्रस्तुत है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानी अमर बलिदानी बाबू गेनू सैद की वीरता गाथा। बाबू गेनू सैद का जन्म 2 जनवरी 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के आंबे गांव तहसील में पहाड़ियों के पाशर में बसे गांव महालुंगे पड़वक में हुआ था। लोग इन्हें प्यार से बाबू गेनू कहा करते थे। गेनू के पिता और माता खेती किया करते थे, लेकिन खेती के लिए पर्याप्त जमीन न होने के कारण गरीबी इतनी थी कि परिवार में भोजन की समस्या रहती थी। बाबू गेनू 10 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता इलाज के अभाव में चल बसे। बाबू गेनू अपने माँ के साथ मुंबई आ गए, जहां उनकी माँ ने उन्हें एक मिल में नौकरी पर रखवा दिया। पुणे जिले के महान उंगले गांव में ज्ञानोबा आपटे के पुत्र बाबू गेनू 18 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के वॉलंटियर बन गए। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में बाबू ने अपने संगठन के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 फरवरी 1928 को बाबू गेनू ने एक बड़ा जुलूस आयोजित किया। उस दिन पूरे मुंबई सहित दिल्ली, कलकत्ता, पटना, चेन्नई आदि शहरों में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। लाहौर के प्रदर्शनों में अंग्रेज सरकार की पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी शहादत हो गई। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बाबू गेनू जेल गए। जेल में ही उन्हें अपनी माँ के निधन का समाचार मिला। बाबू गेनू ने अपने मित्रों से कहा कि अब मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ, अब भारत माता को मुक्त कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अक्टूबर 1830 में बाबू गेनू जेल से बाहर आए। बाबू ने घर घर जाकर स्वदेशी का प्रचार प्रारंभ कर दिया। लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रतिबद्ध हो। धीरे धीरे विदेशी सामान के बहिष्कार का आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाबू गेनू ने सभी स्वयंसेवकों से मिलकर तय किया कि विदेशी वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को रोकेंगे। 12 दिसंबर 1930 को शुक्रवार का दिन था। मुंबई के काला देवी रोड पर विदेशी कपड़ों से भरे ट्रकों को रोकने का निश्चय किया गया। ट्रकों को रोकने की जिम्मेवारी मुंबई शहर की कांग्रेस पार्टी ने बाबू गेनू और उनके संगठन तानाजी पथक को सौंप दी। अंग्रेज अफसर सार्जेंट फ्रेजर को आंदोलनकारियों की योजना की खुफिया जानकारी मिल गई। उसने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल को बुला लिया। प्रातः 10:30 बजे से ही सत्याग्रहियों की टोली वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए आने लगी। विदेशी कपड़ों से भरे हुए ट्रकों का रेला आ रहा था। गेनू बाबू ने ट्रक के सामने खड़े होकर ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया। बाबू गेनू की हिमाकत को देखकर अंग्रेज सार्जेंट फ्रेजर ने आदेश दिया, ट्रक चलाओ, ये हरामखोर मर भी गए तो कोई बात नहीं। ट्रक का ड्राइवर भारतीय था, उसका नाम बलबीर सिंह था। उसने ट्रक चलाने से मना कर दिया। अंग्रेज सार्जेंट फ्रेजर ने ड्राइवर बलबीर सिंह को सीट से खींचकर उतारा और स्वयं तेज गति से ट्रक चलाने लगा। तेजी से ट्रक को सामने से आते हुए देखकर भी बाबू गेनू का इरादा नहीं बदला। वो ट्रक को रोकने के लिए दृढ़ता के साथ खड़े रहे। अंग्रेज सार्जेंट फ्रेजर ने बाबू गेनू को बुरी तरह से कुचलते हुए ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पूरी सड़क बलिदानी बाबू गेनू के खून से लाल हो गई। अंतिम सांसें ले रहे आजादी के दीवाने बाबू गेनू को निकट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सायंकाल को वो शहीद हो गए। पुणे के महान उगले गांव में अमर बलिदानी बाबू गेनू सैद के सम्मान में उनकी मूर्ति उस स्थान पर लगाई गई है जहां वो शहीद हुए थे। उस गली का नाम गेनू स्ट्रीट रखा गया है। भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी बाबू गेनू सैद को सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड की तरफ से शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मेरे वतन है, मेरे वीर।
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी हाँ।